हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मार्केट में अवेलेबल पाया जाता है, एंड इसका नेम क्या है, कंटेंट क्या है, एंड इसका यूजेस क्या है। पूरा इस वीडियो में जानकारी होने वाला है, तो वीडियो एंड तक बने रहना। एंड जो जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब हम वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन चले जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा चैनल पे जितना भी वीडियो है, हर मेडिकल एंड फार्मेसी स्टूडेंट को नॉलेज डेवलपमेंट करने के लिए बनाना है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एड्रिन 40 टैबलेट के बारे में डिस्कशन है। इसका नेम क्या है, कंटेंट क्या है, इसे कहाँ कहाँ यूज होता है। नेम एड्रिन 40, कंटेंट रोटावायरिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों मिलके इसे कंटेंट किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसे कहाँ कहाँ यूज होता है। रोटावायरिन इज यूज फॉर पेन रिलीफ, किसी भी प्रकार का पेन रिलीफ को यूज किया जाता है। इट रिलीज पेन ड्यू टू स्टोन स्मूथ मसल स्पैसम लाइक मेंस्ट्रुअल पेन, पेन ड्यू टू किडनी स्टोन। स्मूथ मसल स्पैसम मेंस्ट्रुअल पेन में और किडनी स्टोन में जो पेन आता है, इस प्रकार का पेन में इसको यूज किया जाता है। डू नॉट यूज विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर्स, डॉक्टर को परामर्श लेना चाहिए यूज करने के लिए, उसके बाद इस्तेमाल करना है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साइक्लोफार्म टैबलेट के बारे में, जो कि बहुत अच्छा है, एंटीस्पास्मोटिक टैबलेट है। इसका नाम साइक्लोफार्म, कंटेन डाइक्लोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल, इन तीनों मिलके इसको कंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ इसको यूज होता है। यूजेस, फीवर, किसी भी प्रकार का फीवर आ जाए, पीरियड पेन, कोई महिला को पीरियड में पेन आ जाता है, तो इन सभी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हेडेक में इसको यूज़ किया जाता है। जॉइंट पेन, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, स्टोमक में, पेट में कोई पेन की वजह से इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम भी आ सकते हैं, तो इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्टोमक एंड इंटेस्टियल क्रम्पिंग, पेट में, स्टोमक में इंटेस्टियल कोई क्रम्पिंग वगैरह हो जाएगा, तो इसको लिए इसको यूज़ किया जाता है। यार पेन, कान में कोई पेन हो रहा है, तो यार पेन में इसको यूज़ किया जाता है। टूथ एच में भी इसको यूज कर सकते। डू नॉट यूज दिस टैबलेट विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर्स। नेक्स्ट स्पोनिक्स टी टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका नेम क्या है, कंटेंट क्या है, और इसको कहाँ कहाँ यूज होता है। स्पोनिक्स टी कंटेंट टोटावायरिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनामिक एसिड, तीनों मिलकर इसे कंटेंट किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजेस, इट यूज टू ट्रीट मेंस्ट्रुअल क्रम्पिंग, मेंस्ट्रुअल क्रम्पिंग में इसको यूज किया जाता है। स्टोमक पेन में भी इसको यूज किया जाता है। मसल स्पैसम में भी इसको यूज किया जाता है। बॉयल डिसऑर्डर में भी इसको यूज़ किया जाता है। आफ्टर सर्जरी के बाद भी इसको यूज़ किया जाता है। ड्यू टू किडनी स्टोन, किसी भी तरह का किडनी स्टोन में इसको यूज़ किया जाता है। डू नॉट यूज दिस टैबलेट विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर्स, डॉक्टर के पास जाके इसको परामर्श लेना चाहिए इसको इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट इसी डाइक्लोमाइन टैबलेट के बारे में
इसको कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या है। साइक्लोमाइसिस यूज टू ट्रीट ए सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम और इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम। सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इसको यूज किया जाता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द सिंड्रोम ऑफ स्टमक एंड इंडस्ट्रियल क्रम्पिंग। स्टोमक एंड इरिटेशन क्रम्पिंग में इसको यूज किया जाता है। दिस मेडिकेशन मस्ट नॉट बी यूज बाय चिल्ड्रेन यंगर देन 6 मंथ्स और बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ सीरियस साइड इफेक्ट। ये जो टैबलेट है इसको बेसिकली 6 मंथ्स से ज़्यादा एज वाला कोई चिल्ड्रेन को यूज़ करना है, इसके छोटा बच्चा को यूज मत करना, साइड इफेक्ट आ सकते हैं। डू नॉट यूज दिस टैबलेट विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, यूज करने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।